अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, बहादुर किसान है जी, और आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बहुत सारे औजारों से खेतों में काम करते हैं, खुरपा, दरांती, कसी, और ये देखें इनके पास क्या है जी, तेज घास का खुरपा बनाया। ये देखें, अब तुम बताओ जी की इधर, ये नीचे पेचकस है जी और ऊपर लोहे का टुकड़ा लगाया हुआ है। हम इसको ना रंबा कह सकते हैं और ना ही कुछ, इनकी कह सकते हैं जी इसी। ये जी थोम है जी, थोम, और थोम की सफाई हो रही है। ये देखें जनाब, गांव में बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, उन्हीं मसरूफियात में से ये भी है जी। हम लोग अपना किचन गार्डन और उसमें छोटे मोटे काम करते हैं, सब्जी वगैरह। इन्होंने लगाया हुआ है जी थोम, और थोम की हालत देखें, थोम कम है इसमें, जड़ी बूटियाँ दीकर जो चीज़ें हैं वो वफर मकदार में उगी हुई हैं। ये बड़े एक्टिव बंदे हैं, ये इतने मेहनती हैं कि इन्होंने इससे पहले इसको हाथ ही नहीं लगाया। भाई जान, ये पहले नहीं साफ करती है? एक बार किया है, बता रहे हैं जी, एक बार पहले साफ किया था, अब जी दोबारा कर रहे हैं। तो यह जो रंबी जी लिया है, कितों लिया है? ये बनवाई है, ये इन्होंने जी खुद बनवाई है, कह रहे हैं। उसका भी इस्तेमाल करो ना। ये देखें जी, वाह, ये देखें जी, क्या बात है, क्या बात है जी। जो देहात के रहने वाले हैं उन्होंने तो काफ़ी दफ़ा, हम इसको अपनी मुकामी जबान में कहते हैं गोडी, गोडी करना, उन्होंने तो काफ़ी बार गोडी की होगी। लेकिन जो शहर के रहने वाले लोग हैं या ऐसे दोस्त जो बिरूने मुल्क जा चुके हैं, उन्हें भी बहुत कुछ याद आ रहा होगा। और देखें जी, ये थोम है, और थोम में कितना वो उगा हुआ है, काट कबाड़ी कहेंगे जिसको, जड़ी बूटियाँ। चलो चलो, मेहनत करो, लगता है करो धमकी मिली होनी है, काम करना तो रोटी लभनी, तो कौन नहीं लभनी, हांजी गल है। इनको घर से धमकी मिली है जी कि काम करेंगे तो आज खाना वाना मिलेगा, वरना आप ऐसे ही रहेंगे, ऐसे नहीं गल है जी। शाबाश शाबाश जी, काम करें जी।